दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया अपना हुनर, किया विशेष रोबोट तैयार, खूब हुई सराहना। खबर यूपी के बलिया में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रदर्शनी प्रस्तुत किए, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विज्ञान से जुड़ी विभिन्न क्रियात्मक प्रतिभाओं के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति दी। इस दौरान विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 के छात्रों ने एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक विशेष रोबोट तैयार किया है, जिसको देखकर बच्चों के अभिभावकों ने इस कार्य का सराहनीय बताया और काफी लोगों ने इस रोबोट को पसंद किया। विज्ञान प्रदर्शनी में कुल 45 बच्चों ने भाग लिया, एक से बका एक अनोखा कार्य किया, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद। ये हमने G-Dot रोबोट बनाया है। जैसे इसे आप इसके कान में बोलेंगे तो आप इसे यहाँ पर आपको माइक्रोफोन में से लगा रहेगा, तो माइक्रोफोन हमने बनाया है, इसीलिए ये आपके मोबाइल में लगा रहेगा और यहाँ पर आप बोलेंगे तो आपके मोबाइल में सुन रहेगा। ये ज़्यादातर क्लियर बातों के लिए यूज़ होता है, जैसे आप कॉल पर बात कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है और एकदम क्लियर आवाज आती है। और दूसरा फीचर हम लोग ये लगाए, ये इसका सोलर पैनल, इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जैसे धूप में रख दिए तो आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और ये मूवमेंट भी करता है। मूवमेंट करने के लिए हमने विज्ञान प्रदर्शनी में ही भाग नहीं लिया, एक तो इसके साथ साथ पेट एग्जीबिशन, साइंस टॉयज एग्जीबिशन भी हमारे यहाँ संपादित किए गए और साथ ही साथ हम लोगों ने एक मेले का भी आयोजन किया था। विज्ञान प्रदर्शनी प्रमुख तौर पर बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने रोबोट, JCB, किडनी कैसे फंक्शन वर्किंग करती है, हार्ट कैसे हमारे वर्क करते हैं, सोलर सिस्टम, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, वाटर प्यूरीफायर, कूलर, इस तरह के तमाम उन्होंने चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया और प्रदर्शित किया, जिसे देखकर अभिभावक जो है काफ़ी मंत्रमुग्ध हुए और काफ़ी उन्होंने जानकारियाँ भी ली बच्चों से। बच्चों ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुझे ऐसा शुरू से लग रहा था कि जिस उत्साह से बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे थे, इसको सफल माना जाना तय था। बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे और सौर्यमंडल किस प्रकार से काम करता है इस पर भी बच्चों ने कार्य किया था। लेकिन जो अति प्रशंसनीय रहा वो था रोबोट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था, जिसको अधिकांश अभिभावकों ने और यहाँ जो आगंतुक थे उन लोगों ने इसको पसंद किया। ये सराहनीय था और मुझे ऐसा लगा, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब इसका निरीक्षण किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चों को अगर हम और इनका मनोबल बढ़ाएं तो शायद आगे भविष्य में ये बच्चे और भी अच्छा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे।